मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई महीने में बीआरटीएस कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी देते हुए इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि जुलाई में सीएम के हाथों यह कॉरिडोर आम लोगों को समर्पित किया जाए। कलेक्टर बीआरटीएस की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। बीआरटीएस कॉरिडोर पर शुक्रवार से शुरू हुआ ड्राई रन शनिवार को भी हुआ। कंपनी सीईओ संदीप सोनी ने अपने माताओं के साथ बस में सफर कर तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया। सामने आई कंपनियों को जल्द दूर करने की बात सोनी ने कही है। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे के बाद विवादों में फंसे प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को कांग्रेस ने विवादित मंत्रियों के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करने के साथ ही पुतले भी जलाए। कांग्रेस ने विजय शाह के अलावा अन्य मंत्रियों को भी बर्खास्त करने की मांग की। मंत्रियों के पुतले जलाने में महिला कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पुतले जलाने को लेकर कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। शहर में नकली पुलिस एक बार फिर सक्रिय हो गई है। कुछ समय शांत रहने के बाद शनिवार को दो बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर वृद्धा को अपना निशाना बना लिया। बदमाशों ने वृद्धा को शर्मा मैडम से लूट होने का हवाला देकर जेवर उतराए और लेकर चंपत हो गए। बदमाशों द्वारा लूटे गए गहनों की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। पलासिया स्थित जमीन के संबंध में प्रशासन कोई भी चर्चा उसके सही मालिक से करे, यह कहना है बांदा परिवार का, जो खुद को बाजीराव पेशवा की 9वीं पीढ़ी से बता रहा है। परिवार के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता में उक्त बात कही। मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली द्वारा बाजीराव पेशवा पर बनाई जा रही फिल्म के प्रति भी बांदा परिवार ने आपत्ति दर्ज करवाई है। दिल्ली में मासूम के साथ हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में मूसाखेड़ी क्षेत्र से रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने दरिंदे को फांसी की सजा देने की मांग की है। शहर में इन दिनों एक अनूठी पेंटिंग प्रदर्शनी लगी है, जिसमें जाने माने चित्रकारों की प्रतियों के साथ साथ मछली की हड्डी और पत्थर के रंगों से बने चित्रों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मनु पैलेस, लोकनायक नगर और अन्नपूर्णा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन कॉलोनियों के रहवासियों ने अन्नपूर्णा थाने के पास खोली जाने वाली शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। रहवासियों की अगुवाई कर रहे पार्षद सुरेश मिंडा ने दुकान को नियमों के विरुद्ध बताया है। हीरानगर थाना क्षेत्र में चल रहा आईपीएल क्रिकेट का हाईटेक सट्टा पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई में 83 मोबाइल सहित 15 लाख से अधिक का हिसाब बरामद किया है। हालांकि पुलिस एक भी आरोपी को हिरासत में नहीं ले पाए, सभी आरोपी भागने में सफल रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर शुक्रवार रात सीआईएसएफ के एक अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य धरने पर बैठ गए। दरअसल अधिकारी का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर उसे उसके परिवार के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में तंग आकर आखिरकार उसे धरने का सहारा लेना पड़ा। केंद्रीय साई सेवा समिति न्यास के तत्वाधान में शुक्रवार शाम बड़ा गणपति से साई पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा में सुसज्जित रथ पर रखी बाबा की पालकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा टोरी कॉर्नर, गोराकुंड, खजूरी बाजार, राजबाड़ा से होकर चिमनबाग स्थित स्काउट मैदान पर समाप्त हुई। मार्ग में जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एसपी रुडोल अल्वारेस ने यातायात थाने पर यातायात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात सुधार की दिशा में उनके सुझाव मांगे। साथ ही अधिकारियों को अपना आचरण सुधारने की सीख भी दी। एसपी ने अपना यह मत आम पुलिसकर्मी तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव महुनाका क्षेत्र स्थित एमओजी लाइन में राम मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रंगारंग प्रस्तुति दी। शहर के चिड़ियाघर में इन दिनों बड़वानी के जंगलों से लाए गए एक गंभीर रूप से घायल तेंदुए का इलाज हो रहा है। तेंदुए के शरीर का पिछला हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो चुका है। 3 साल के इस तेंदुए को पहले महू वेटनरी कॉलेज में रखा गया था, पर इसकी हालत में सुधार न होने पर इसे इंदौर रेफर किया गया है। देवास से इंदौर आ रही एक उपनगरीय यात्री बस बाईपास के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस को सामने से आ रहे कंटेनर ने ऐसी टक्कर मारी कि बस पलटी खा गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया।